अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A to Z पर। रीट लेवल 2 की सुनवाई नहीं हो सकी और 3 जुलाई की अगली डेट मिल गई। सभी प्रमुख अखबारों, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है। सुनवाई से रिलेटेड खबरें हमें अखबारों में कम ही देखने को मिलती थीं, लेकिन अब ये खबरें अखबारों में भी छपने लगी हैं। दोस्तों, देर सवेर इंसाफ हमको मिलेगा, इंसाफ हमारा वेट कर रहा है, लेकिन इंसाफ मिलने तक जो 1 या 2 महीने का वक्त है, उस दौरान आप निराश ना हों। आपने इतना संघर्ष किया है तो आगे भी संघर्ष जारी रखें। इतनी संघर्ष और मेहनत का फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा अगर हम उम्मीद छोड़ दें और हताश होकर बैठ जाएं। आज के राजस्थान पत्रिका में हमारे मुद्दे की खबर छपी है। हर बार होने वाली सुनवाई में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कोर्ट पहुंच रहे हैं। कुछ नए साथी जुड़े हैं। रोक हटाने के लिए तेजकरण मुंडोलिया व अन्य ने प्रार्थना पत्र लगाया है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें पक्षकार बना लिया है। जिस तरह हमारे साथी कोर्ट में पहुँच रहे हैं, उसी तरह सचिवालय में पहुँचेंगे, मंत्रियों के बंगलों पर धरना देंगे। देखते हैं ये भर्ती को और कितना खींच सकते हैं। आखिर में इनको भर्ती तो पूरी करवानी पड़ेगी। हो सकता है कमलेश मीणा के पास कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर आए हों, लेकिन भर्ती रद्द कराने लायक और 8 लाख लोगों को परेशान करने के काबिल ये मुद्दा नहीं था। इसको जानबूझकर बड़ा किया जा रहा है और इसके पीछे जिन शक्तियों का भी हाथ है, वो अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। भाजपा को हम खुली चुनौती देंगे कि आपका सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा बैठे बिठाए मिल जाएगा। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता हमारे समर्थन में, हमारे साथ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। उनका कोई भी नेता हमारे पक्ष में नहीं खड़ा है। तो हमको ये भी साफ कर देना चाहिए कि हम कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये वोटों के भूखे लोग सिर्फ वोटों के लालच से ही हमारी भर्ती को पूरा करवा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, रीट की वजह से आप अपनी बाकी तैयारियों को प्रभावित ना होने दें। रीट ज़रूर पूरी होगी। रीट कैंसिल करवाने वालों में अगर दम होता तो वो कभी का कैंसिल करवा गए होते। क्यों उनके वकील बार बार अनुपस्थित रहते हैं, क्यों वो आगे की डेट मांग रहे हैं? इसमें पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हैं, पर्दे के पीछे राजनीति है, लेकिन न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है और छात्रों के हक में फैसला सुनाकर न्यायालय अपनी निष्पक्षता का प्रमाण जरूर देगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।